जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बच्चों के विवाह में विलंब होता ही जाता है। क्या आप जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या होता है? 80% बच्चों के विवाह में विलंब पितृदोष के कारण होता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, या आपके घर पर पितृदोष का साया है, तो आप चाहे कितने भी उपाय कर डालिए, कितनी पूजा पाठ कर डालिए, कुछ भी कर डालिए, आपको कुछ भी असर नहीं होगा। अगर आपके द्वारा की गई पूजा पाठ उपाय कुछ भी फायदा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसी के कारण आपके विवाह में लगातार डिले होता जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, पितृदोष दूर करने का उपाय कीजिए, उसके बाद ही अपने विवाह में आ रहे विलंब को दूर करने के उपाय कीजिए, तभी आपके विवाह का योग बनेगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 10 तारीख से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो इस पितृपक्ष में अपने विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु अपने पितरों को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय कीजिए। अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते पितरों को प्रसन्न करने के लिए, श्राद्ध नहीं कर पाते, या फिर कुछ भी, अक्सर माना जाता है कि घर का बड़ा बेटा या छोटा बेटा ही श्राद्ध करते हैं पितरों के लिए, तो अगर आप बीच के बच्चे हैं या किसी भी कारण से आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, पितरों के निमित्त कोई दान दक्षिणा नहीं कर पा रहे हैं, हवन यज्ञ वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पितृपक्ष में एक छोटा सा काम करिए और अपने विवाह में आ रही परेशानियों को दूर कीजिए। इस छोटे से काम से पितर आपके आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके समस्त दोष दूर करते हैं और आपको खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक लोटा जल लेना है, एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल लें और सुबह के वक्त बरगद के पेड़ में या फिर पीपल के पेड़ में या बेल के पेड़ में, जो भी आपको पास मिल जाए, ये सारे पेड़ पितरों के पेड़ कहलाते हैं, इसलिए इन तीनों में से जो भी पेड़ आपको पास में मिल जाए, खासकर बरगद या पीपल, तो आप उसमें ये तांबे के लोटे में जल और उसमें थोड़ी सी काली तिल डालकर जाके वहाँ प्रतिदिन अर्पित करके आएं। ये 15 दिन इस तरह से अगर आप जल देंगे, अपने पितरों का स्मरण करके, जल देने के बाद उनसे क्षमा मांगें कि आपसे जो भी भूल हो गई है उसके लिए आपको क्षमा करें और प्रसन्न हों और आपके विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करें, आपके ऊपर से दोष को, अपने गुस्से को ख़त्म करें और एक सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। इस तरह से करने से दोस्तों पितृदोष समाप्त होता है। और हाँ, पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है, उस दिन किसी भी जल की जगह पर, मतलब कुआं, तालाब, नहर, नदी, यहाँ पर जाकर रात के वक्त, शाम को, मतलब सूर्यास्त के बाद, एक दिया, तिल के तेल का एक दिया, दक्षिण मुखी बाती लगाकर, लंबी बाती लगाइए, दक्षिण में बाती का मुंह हो और उस नदी, तालाब, कुआं, जो भी है आपके पास, उसके पास जाकर अपने पितरों को स्मरण करके जला दीजिए। इससे आपके पितृदोष दूर होता है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय है, उम्मीद करती हूँ आप सब इसे अवश्य करेंगे, क्योंकि अक्सर आप सब कहते हैं कि हमने ये उपाय किया, वो उपाय किया, वो उपाय किया, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा है। अगर कोई उपाय फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो पहले अपने पितरों को खुश करें, उसके बाद उपाय करें। देखिएगा, ये उपाय करने के बाद आप जो भी उपाय करेंगे वो आपको शीघ्र फल देगा। तो क्योंकि पितर अगर प्रसन्न होते हैं तो आपके विवाह की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इस पितृपक्ष में यह उपाय आप सब ज़रूर कीजिएगा, बहुत छोटा सा उपाय है। और हाँ, ये बता दूं, अगर बच्चों के विवाह नहीं हो रहा है तो ये बच्चों को ही जल देना है। माता पिता के जल देने से परिवार के ऊपर से पितृदोष दूर होगा, बाधाएं आनी दूर होंगी, लेकिन आपके विवाह में आ रही परेशानी अगर आप जल अर्पित करेंगे तो ही दूर होगी। इसलिए यह उपाय विवाह हेतु अगर कर रहे हैं तो बच्चों को ही करना है, प्रतिदिन बच्चों को ही जल देना है। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक,
सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और इस पितृपक्ष यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा।